दोस्तों कई घटनाएं ऐसी भी होती है जहां इंसान की किस्मत उसे लगभग मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर बाहर करती है। शायद इसलिए कहते हैं कि किस्मत से बलवान कोई नहीं होता और किस्मत हो तो मौत को भी छूकर टक से वापस आ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जिन्होंने मौत को काफी करीब से मात दी, या कहे कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो बाल बाल बच गए। भारत के वेल्लोरे शहर में हर साल बुल रेस करवाई जाती है, लेकिन साल 2018 में सभी लोग बुल रेस के आनंद ले रहे थे, जिसमें रेस के दौरान एक युवक अपने बैल को पकड़े खड़ा था, लेकिन थोड़े देर बाद एक बैल रफ्तार के साथ उस युवक के ऊपर से जंप करके निकल जाती है। भाई साहब, इस युवक की किस्मत अच्छी थी वरना तो इसका काम तमाम हो जाता। ये वाक्य तब देखने को मिला जब अक्टूबर 2016 में जिम्बाब्वे लेक करीबा के पास किसी रिसोर्ट में एक ऑस्ट्रेलियन कपल हॉलीडे बनाने के लिए आया था, लेकिन इस दौरान स्विमिंग पूल पर नहाते समय उन पर एक 6.5 फुट लंबे मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ को देख लड़की के बॉयफ्रेंड ने बेवफाई दिखाते हुए अपने आप को बचा लिया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की किस्मत बेवफा नहीं थी, जिसके चलते वो मगरमच्छ के हमले के बावजूद भी जिंदा निकल गई। कैलिफोर्निया के मोरा बेस से 2 मील की दूरी पर एक ऐसी घटना घटी जिसे वंस इन लाइफ टाइम एनकाउंटर कहा जा सकता है। सोन स्टेम्बेक्स और फ्रांसिस एंटीगुआ नाम के दो डाइवर वेल को फिल्माने के लिए पानी में थे, तभी दोनों बॉल ऑफ फिश से घिर जाते हैं, और इससे पहले वो कुछ समझ पाते तभी पानी से 40 टन वजनी दो हम्पबैक वेल मुंह खोले पानी से बाहर निकलती है, जो इन डाइवर्स से महज कुछ इंच की दूरी में थी, और दोनों बाल बाल वेल का निवाला बनने से बच जाते हैं। अगली घटना ऑस्ट्रेलिया में घटी जहां कुछ दोस्त नदी किनारे मजे ले रहे थे, लेकिन इनमें से एक युवक को मस्ती सूझी। वो एक पेड़ से रस्सियों को बांधकर झूलते हुए नदी पर गिर जाता है, लेकिन उस युवक को नहीं पता था कि नदी में कोई इसका इंतजार भी कर रहा है। जैसे ही वो युवक नदी में गिरता है वैसे ही कुछ सेकंड बाद उस पर एक मगरमच्छ हमला कर देता है, लेकिन कैमरा होने के कारण युवक मगरमच्छ के हमले से बच जाता है, जिसके बाद वो तुरंत पानी से बाहर निकल जाता है। अगर कैमरा नहीं होता तो युवक मगरमच्छ के प्लेट में होता। अगस्त 2020 में केरला के कोल्लम जिले में ये वाक्य देखने को मिला। हुआ यू की तमिलनाडु के रहने वाले श्री कुमार नाम का एक व्यक्ति सड़क पर व्हाइट लाइन के बाहर अपनी मस्ती में चला जा रहा था, लेकिन तभी उनके पीछे से एक अनबैलेंस पिकअप ट्रक तेज रफ्तार के साथ भागता हुआ आता है, जो श्री कुमार से कुछ इंच दूरी से होकर गुजर जाता है और आगे जाकर फिर सड़क पर आ जाता है। ये पूरा वाक्य देखकर श्री कुमार के लाल, हरे, पीले सभी रंग के तोते उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो उल्टी दिशा में भाग जाता है। दोस्तों, ये जो क्लिप आप सभी देख रहे हो ये है नीदरलैंड की, जिसमें आप देखोगे जरा सी चूक से आपकी जिंदगी कैसे जा सकती है। हमारे भारत की तरह यहाँ भी रेलवे क्रॉसिंग में फाटक लगे रहते हैं, और एक लड़का जो फाटक में रुका हुआ था उसने सिर्फ एक ही ट्रेन को देखा था और सोचा कि इस ट्रेन के गुजरने के बाद यहाँ से निकल लूंगा, और ये गलती इस लड़के की जिंदगी ले सकती थी। जरा देखिए आगे क्या हुआ। दूसरी ट्रेन भी अपोजिट डायरेक्शन से बहुत तेज रफ्तार में आ रही थी, पर पहले ट्रेन के कारण लड़के को दूसरा ट्रेन नहीं दिखता और वो आधे रास्ते तक पहुंच जाता है, जिसके बाद ये सिचुएशन लड़के के लिए बन जाता है करो या मरो। ये लड़का वहीं रुककर मर सकता था, पर इस लड़के ने चालाकी दिखाई और तेजी से साइकिल को दौड़ाकर वहां से निकल जाता है। ये वाक्य तब रिकॉर्ड किया गया जब अप्रैल 2018 के दौरान मुंबई में कुछ लड़के ट्रेन को आते हुए देखकर भी ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रैक पार करते दौरान इनमें से एक लड़के का पैर रेल ट्रैक में फंस जाता है। लेकिन इन महाशय की किस्मत अच्छी थी कि इसके दोस्तों ने समय रहते हुए देख और ट्रेन के आने से पहले उसका पैर ट्रैक से निकालकर उसे बचा लिया। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसके दोस्त पास में थे, अगर अकेला होता तो इसकी बेवकूफी का अंजाम आप सोच ही सकते हैं। अगली घटना रूस के व्लादिवोस्टोक नवंबर 2020 में घटी, जिसमें एक व्यक्ति के कार पर 9 मंजिल ऊपर से एक कॉन्क्रीट स्लैब गिरा, लेकिन कार के पास खड़े व्यक्ति की किस्मत तो देखिए, महाशय को इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद खरोंच तक नहीं आई, लेकिन कार की हालत देखकर ये साफ पता चल रहा है कि अगर ये कॉन्क्रीट स्लैब अगर इस शख्स के ऊपर गिरता तो इसका कचुम्बर बनना तय था। सफारी पार्क के आसपास ड्राइविंग करते समय पर्यटकों को हमेशा अपने कारों में रहने की चेतावनी दी जाती है, और शायद जानवर भी यही चाहते हैं, क्योंकि जंगली जानवरों के करीब कब आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए कहां नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ दक्षिण अफ्रीका में सफारी पार्क में मजा लेने पहुंची कैलिन और सिंडी नाम की लड़कियों के साथ हुआ। जब कार चलाती कैलिन ने सड़क किनारे बैठे शेरों के झुंड को देखकर कार को रोक लिया और शेरों को देखने लगी, तभी एक शेरनी कार के पास आती है और कार को देखने लगती है, लेकिन कैलिन और सिंडी इससे पहले कुछ समझ पाते हैं, शेरनी पीछे के दरवाजे को अपने मुंह से खोल देती है। गेट को खुला देख कार के अंदर बैठे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत जैसे तैसे दरवाजा बंद करके अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इसलिए ऐसी जगहों में जाने से पहले अपने कार के डोर को जरूर चेक कर ले। 2016 में पायलट थॉम रिचर्ड के प्लेन के इंजन में नेशनल चैंपियनशिप एयरबेस में गोल्ड फॉर्मूला 1 इवेंट के दौरान कुछ दिक्कतें आ गई।
पायलट ने तुरंत अपना इंजन बंद कर दिया और प्लेन के कैनोपी को खोला ताकि ग्राउंड क्रू को संकेत दे सके कि वह उड़ नहीं सकता। हालांकि ये संदेश उन तीन विमानों के पायलट तक नहीं पहुंचा जो उनके पीछे टेक ऑफ के लिए तैयार थे। उनके ठीक पीछे से एक प्लेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है और इस पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है और वो एक हाथ से कैनोपी को पकड़े रहते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे से आ रहे प्लेन का लेफ्ट विंग रिचर्ड के सिर से कुछ सेंटीमीटर ऊपर से कैनोपी को तोड़ता हुआ निकल गया और ये पूरा वाक्य प्लेन में लगे डैश कैम में कैद हो गया। रिचर्ड का प्लेन टक्कर की फोर्स से पूरा घूम गया लेकिन वो बाल बाल बच गए। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं सफेद कपड़ा ओ ओ प्लीज सब करा और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप तक हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे।